क्या कानून के तहत तीन देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों को निर्वासित कर दिया जाएगा? जी नहीं, यह कानून किसी भी विदेशी नागरिक के निर्वासन से संबंधित नहीं है। किसी भी धर्म या जाति के विदेशी नागरिक के देश में प्रवेश करने, रहने या निर्वासन की प्रक्रिया फॉरनर्स एक्ट 1940 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत संचालित की जाती है। असम में हुए कुछ निर्वासन के मामलों में फॉरनर्स एक्ट 1940 के तहत आए विदेशी लोगों को ही निर्वासित किया गया था।